भारत के राजदूतों की भाषा ये होनी चाहिए, भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भाषा ये होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में बोलने वाले भारतीय की भाषा ये होनी चाहिए जो हनुमान की थी। आकाश में बैठे हुए सूर्य से भगवान मारुति नंदन हनुमान ने कहा, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। अब देखो कैसे फुसला रहे हैं सूर्य को। मेरा कोई काम नहीं है, आपके खानदान का काम है, मैं तो आप ही का काम लेके आया हूं। सूर्यवंशियों पे संकट है, आप सूर्य हो। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। फिर और लालच देते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। भेजा गया हनुमान को कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। हनुमान आकाश में उड़े, आकाश में तो सूर्य है, विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं, इंजीनियर्स आए हैं, सूर्य तो डूबता नहीं है। हम कहते हैं सूरज डूब गया, क्यों? हमारी माँ हमें गोदी में लेकर पृथ्वी हमारे पिता सूर्य की ओर से पीठ कर लेती है, माँ को दोष देते नहीं है, पिता को दोष देते हैं कि डूब गया, छिप गया, वो चला गया, हमें तो सूरज तो निकल रहा है। ये माँ और पिता से संबंध की सामान्य परिभाषा है, इसको व्याकरण भी जानता है। माँ बोल के देखो, माँ मुंह खुल जाता है, इच्छा प्रकट हो जाती है मां के सामने, बाप बोल के देखो बंद हो जाता है। हनुमान ने बातचीत शुरू करी, राधेश्याम जी हमारे बहुत बड़े रामायणी, उन्होंने इस प्रसंग को लिखा। भारत के राजदूतों की भाषा ये होनी चाहिए, भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भाषा ये होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में बोलने वाले भारतीय की भाषा ये होनी चाहिए जो हनुमान की थी। आकाश में बैठे हुए सूर्य से भगवान मारुति नंदन हनुमान ने कहा, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। अब देखो कैसे फुसला रहे हैं सूर्य को। मेरा कोई काम नहीं है, आपके खानदान का काम है, मैं तो आप ही का काम लेके आया हूं। सूर्यवंशियों पे संकट है, आप सूर्य हो। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। फिर और लालच देते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसे कहते हैं बात मनवाना। कितनी विनम्रता है, शक्ति के सबसे बड़े पर्याय की शालीनता देखिए। इसलिए छिपे रहना भगवन, राम का सेवक किसी और को भगवान कह रहा, देखो आप। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। छह पंक्तियों में तो वो भारत जो बुद्ध की भाषा जानता है, और दो पंक्तियों में 75 साल वाला भारत जो आज की भाषा जानता है। कहते हैं मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला। कितने धीमे से धमकी दी है, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। हम किसी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते,
लेकिन मृत्यु और आत्महत्या के सारे विकल्पों के विफल हो जाने के बाद अगर किसी नीच ने यही सोच लिया है कि हमारी सीमाओं के अंदर पैर रखकर हमारे सिपाहियों के शरसंधान का साधन बन कहीं मरेगा, तो ऐसे हर नीच का स्वागत है। अंदर आए, हम उसे जहन्नुम भेजने के लिए तैयार हैं। अन्यथा क्षमा करना, दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना ये है पुनः हनुमत कितना मतवाला है। धीमे से कहा, नीचे ये कहता ना शर्तें लागू, तो नीचे शर्तें लागू भी लगाई उन्होंने। हनुमत कितना मतवाला है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मुख में तुमको धर रखने का, फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मुझे तो अभ्यास ही है, हनुमान कहते हैं मुझे तो आदत ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ही तो करना है कि संजीवनी ले जाने समय आपको मुंह में धर लूंगा, जब एक बार हो जाएगा सब काम उसके बाद छोड़ दूंगा, चले जाना। इससे बेहतर है कि मुझे इतना कष्ट हो तुम ही लेट निकलना। सूर्य को भी समझ में आ गई, वो पुराना घिसा हुआ था, उसने कहा इसने पिछली बार ही डार्क कर दिया था मामला। उसने कहा ठीक है आप पूरा काम निपटा लो। भगवान ने सब काम निपटाए, अयोध्या जी उतरे, वापिस आए, सुषेण वैद्य गए, सब कुछ ठीक हो गया। यह जो यात्रा है हनुमान की, यह सामान्य यात्रा नहीं है। चाहे माता सीता का पता लगाना हो, वो भी सामान्य यात्रा नहीं। सीता क्या है? सीता शांति का प्रतीक है। हनुमान किसके प्रतीक है बताइए? ज्ञान के, ज्ञानिनाम अग्रगण्य है। पहली बार जब भगवान ने हनुमान को देखा है, सुग्रीव से मिलने जाते समय तो ब्राह्मण के वेश में आए मिले और कहते हैं कि मैं सुग्रीव का महामंत्री हूं, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा है कि जो बोल रहा है सामने, ये भाषा लाघव जानने वाला सुग्रीव सचिव कपि, यह कपि जो सुग्रीव का सचिव है, ये भाषा बहुत अच्छी बोलता है, ऐसी भाषा वेद पढ़े बिना नहीं आ सकती। और वो कह रहा है हमको पता नहीं थी हनुमान कैसा बोलते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं राम से पंगा ले लो चल जाएगा, करुणा निधान है, इनसे मत लेना, क्योंकि इनको पता वाता नहीं है, ये मानते सिर्फ एक ही की है, बाकी जो नहीं मानता उसका फिर वही इलाज करते जो सूरज का करा। ज्ञान के प्रतीक है, शांति की खोज में गए हैं। अब प्रतीक समझिए, देखिए पूना वालों, तो शांति की खोज के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? ज्ञान को यह भान कराना तो कोई शांति पा सकता है जिसका नाम है जामवंत। ज्ञान अपने आप को भूल चुका है। जामवंत ज्ञान का कंधा पकड़ के कहते हैं का चुप साध रहे बलवाना, तू चुप क्यों बैठा है, तू ही जा सकता है। इसीलिए पृथ्वी के आकर्षण को छोड़कर ज्ञान एक भूदर के ऊपर चढ़ा और उसने अज्ञात में छलांग लगा दी। शांति को पाने के लिए अगर ज्ञात में छलांग लगाओगे कि यहां तक पहुंचना है तो नहीं पहुंच पाओ। किस पर चढ़े पहले हनुमान? एक भूदर ऊपर, उस पर छलांग मारी। रास्ते में पहली चीज क्या मिली? मैनाक पर्वत। देवताओं ने भेजा कि देखे हनुमान बंधता है आकर्षण में कि नहीं बंधता। मैनाक पर्वत पर क्या है? सोना चांदी मणियां फल फूल ड्राई फ्रूट्स। उसने कहा उतरो यहां, इसका मतलब जैसे ही शांति की खोज में चलोगे जगत के आकर्षण घेर लेंगे। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सोना, लेकिन अगर उससे बचकर आपने हनुमान की भाषा में आकर्षण को जवाब दे दिया तो मां के चरणों तक पहुंचोगे। हनुमान ने क्या कहा? राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। ये है अफ्रीका। अब अगर इससे भी उबर गए तो अच्छे से अच्छे आदमी की क्या भावना रहती है? चलो पैसा छोड़ दिया, इसका लोभ छोड़ दिया, अग्रवाल समाज में बहुत लोग हैं, हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया, इसके बाद भावना क्या रहती है? हर आदमी की रहती है, बुरा मत मानना मेरी भी रहती है, उससे बचने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। जब ज्ञान रूपी हनुमान सीता रूपी शांति को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में सिर रखने के लिए मैनाक रूपी आकर्षण को ठुकरा कर आगे बढ़ता है, तो रास्ते में यश रूपी सुरसा मिल जाती है।
फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। हर आदमी को रहता है फेम मिल जाए। ये जो यश की लिप्सा है कि मैं कुछ भी करूं तो सबको पता चले कि मैंने अच्छा काम किया, हनुमान को यश की लिप्सा को घेरने के लिए सुरसा भेजी जाती है। यश क्या है? जितना मिल गया उतना थोड़ा, ये यश है। तो यश की सुरसा अब आगे हनुमान का मार्ग रोकना चाहती है। और यश की पहली क्वालिटी क्या है कि वो बढ़ता है, फिर मन करता है और मिले। इसके बाद गत ज्ञान की लिप्सा आएगी लंकिनी बनकर। ये सारी कहानी प्रतीक से जुड़ी हुई है, लेकिन लंकिनी पर अगर आपने सत्य का प्रहार कर दिया मुष्टिका से तो लंकिनी को चेतना आ जाएगी कि ज्ञान आ गया शांति से मिलने के लिए, हनुमान आ गया सीता के चरण के लिए। लंका सोई हुई है, क्यों सोई हुई है बताओ भाई पूना वालों, क्यों सोई हुई है? सारी लंका सोने की है, जो सोने के चक्कर में पड़ा वो दिन में भी सोया हुआ ही है, सोई हुई है। लंका में एक ही आदमी जागा हुआ है, इसका नाम है विभीषण। क्यों जगा हुआ है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। इसका मतलब इस यश की लिप्सा की ऐश्वर्य की लंका में चारों तरफ अगर आप घिरे हुए भगवान का स्मरण भूल चुके हो तो एक ना एक दिन इसकी आग में आप झुलझोगे। अगर इसमें रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते हो तो आप विभीषण की तरह हनुमान से भी मिलोगे और राम से भी मिलोगे और राज्य पद भी आपको प्राप्त होगा।